जय हिंद फ्रेंड्स। तुम जब भी गुलामी करोगे, जब भी तुम गुलाम होगे, तो उसकी बस एक वजह होगी, तुम्हारी आंतरिक कमजोरी। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका, और वो है भेड़िया। एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया, क्योंकि अगर तुम भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस इलाके को तबाह कर देंगे। बड़ा गजब का सोशल संगठन है उसका, उनका। भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती, भेड़िया जो समाज है, वो जो बुजुर्ग भेड़िए हैं वो शिकार पे नहीं जाते, जवान शिकार करते हैं, वो लेकर आते हैं, पहले बुजुर्गों को देते हैं फिर खाते हैं। उनको तुम बंदी बना लो, मौका पा जाएंगे तुमको फाड़ डालेंगे, चाहे जितना खिलाओ। इसलिए आज तक भेड़ियों को गुलाम नहीं बनाया जा सका। इसलिए पहले जमाने में जब औरतें को पीरियड होता था तो उन्हें मंदिर मंदिर जाने के लिए रोका जाता था, क्योंकि भेड़ियों की जो सूने की क्षमता है वो 14 किलोमीटर की है, मतलब 14 किलोमीटर से उन्हें खून की बू आती है, 14 किलोमीटर। तो स्त्रियों को बाहर निकलने से मना किया था। एक सबसे बड़ी वजह यह थी, एक वजह। मैं सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच गई और वो उधर से निकल आया, उसकी एक वजह यह थी कि पीरियड में स्त्री को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। एकमात्र जानवर है भेड़िया। कभी डिस्कवरी पर उनका एपिसोड देखो। बाकी शेर को गुलाम बनाया गया। चाइना वाइना में तो बच्चे बच्चे हैं, वो नचाते हैं शेरों को। ताकत कहां है? अपने अंदर।